विशेष नौकरी या बिजनेस में किसी खास मामले पर चलती आ रही बात पूरी हो सकती है। इससे आपको बड़े फायदे हो सकते हैं। इन दिनों में आप सिर्फ अपनी बात की रट लगाने के बजाय दूसरे पक्ष की बात भी सुनते हैं, तो वह बातचीत भी सफल हो सकती है। दूर स्थानों से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। आप सही दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। मन की आवाज सुने और फिर निजी या व्यावसायिक मामलों में कोई कदम बढ़ाएं। इन 7 दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के 5वें भाव से शुरू होकर 8वें भाव तक जाएगा। इस सप्ताह आप ज्यादातर मामलों में सफल रहेंगे। नौकरी और बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम और आगे बढ़ने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय शुद्ध रहेगा। लव, इन दिनों में अपने पार्टनर से राय लें, आपको फायदा होगा। लव लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव होंगे। लाइफ पार्टनर से विवाद तो होंगे, लेकिन जल्दी ही संबंध अच्छे भी हो जाएंगे। करियर कार्य क्षेत्र में सोच समझ कर लिए गए फैसले आपको बड़ा फायदा दे सकते हैं। स्टूडेंट्स अपनी सेहत का ध्यान रखें, सक्सेस के लिए शॉर्टकट न लें। हेल्थ खराब पानी से होने वाले रोग परेशान कर सकते हैं। खान पान में सावधानी रखें। इस सप्ताह फालतू कामों में आपका समय खराब हो सकता है। ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो सिर्फ फालतू राय देंगे। इन दिनों में नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोग किसी भी अवसर को ना छोड़ें। कोई भी मौका आपके लिए बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। इन 7 दिनों का समय थोड़ा अच्छा तो थोड़ा बुरा भी हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में ही जब चंद्रमा गोचर कुंडली के 4थे भाव में रहेगा, तब आपके सोचे हुए काम पूरे नहीं होंगे और आप परेशान रहेंगे। इस समय कुछ मामलों को लेकर आपके दिमाग में टेंशन रहेगी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आपके काम पूरे हो जाएंगे। सप्ताह के बीच में आपको अचानक फायदा भी हो सकता है। आसपास के या साथ काम करने वाले कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे। किसी पुराने व्यक्ति से मिलने के भी योग बन रहे हैं। इन दिनों में आप मानसिक रूप से शांत रहे। लव, इन सप्ताह पार्टनर के सामने संयम से रहे। गुस्से में कोई भी बात ना बोले, आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। करियर कोई नया फैसला लेने के लिए समय सही नहीं है। इस सप्ताह आप परेशान भी हो सकते हैं। पुरातत्व की पढ़ाई करने वाले और खगोल विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छे रहेंगे। हेल्थ सेहत में गिरावट महसूस करेंगे। नींद की कमी और थकान से परेशान हो सकते हैं। मिथुन, इस सप्ताह चतुराई से बिजनेस आगे बढ़ाने में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह के 1-2 दिनों में कंफ्यूजन भी बढ़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी। जिस काम को हाथों हाथ निपटाना जरूरी नहीं है, उसके लिए ना परेशान हो ना जल्दबाजी दिखाए। इस सप्ताह आप धैर्य रखें। कई चीजें अपने आप संभल सकती है। किसी भी काम की जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के 3रे भाव में रहेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। सप्ताह के बीच में चंद्रमा कुंडली के 4थे भाव में जब होगा, तो नौकरी और बिजनेस में आपके सामने थोड़ी परेशानियां आएंगी। उस समय आपको अपनी माता से भी फायदा हो सकता है। इन दिनों में आपका सुख बढ़ेगा, धन लाभ हो सकता है, साझेदारी संबंधी घटनाक्रम बन सकता है। वैवाहिक जीवन में जो खराब समय चल रहा है वो खत्म हो सकता है। जीवन साथी की सेहत थोड़ी प्रभावित होगी। धैर्य और लगातार कोशिश करने की क्षमता से आप अपने लक्ष्य पूरे कर लेंगे। लव, इस सप्ताह लाइफ पार्टनर की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। पार्टनर को आपकी जरूरत है। करियर, इन दिनों में बड़ा फैसला तो लेना पड़ेगा, लेकिन आप समय पर काम ना कर पाने से थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। मेडिकल और कानूनी पढ़ाई करने वालों के लिए 1 दिन अच्छे रहेंगे। हेल्थ, लगातार काम करने से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान हो सकते हैं। किसी तरह की एलर्जी हो सकती है।
वर्ग की इस सप्ताह मेहनत और पुरुषार्थ से कर्क राशि वालों की उन्नति हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत कुंडली के धन भाव से होगी और आपको धन लाभ हो सकता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सेविंग बढ़ सकती है, आप दुश्मनों से जीत जाएंगे। चंद्रमा जब सप्ताह के बीच में होगा तो आपके लिए समय शुद्ध रहेगा। पुराने अनुभवों से पैदा हुआ कोई डर आपके दिल दिमाग पर हावी हो सकता है। इन दिनों में आपके बहुत से फैसले पुराने डर से प्रभावित होंगे। डर से वर्तमान में आपके सामने वाले अवसरों को खाली ना जाने दें। सप्ताह के कुछ दिनों में परेशानियां हो सकती है, इससे आपके कुछ खास काम रुक सकते हैं। पेट संबंधित परेशानियां रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी। इस सप्ताह कानूनी मामलों में आपकी जीत हो सकती है। सप्ताह के आखिरी दिनों में शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। लव, इन दिनों में लव लाइफ बहुत अच्छी होगी। लाइफ पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। साथ काम करने वाले अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन बढ़ सकता है। करियर, इन दिनों में अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये 7 दिन अच्छे रहेंगे। पढ़ाई से जुड़ी कोई खास बात आपके पता चल सकती है। हेल्थ, पेट के रोग हो सकते हैं। भोजन संबंधित सावधानियां रखें। पुराना दर्द या जलन बढ़ सकती है। सिंह, इस सप्ताह बिजनेस और नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण मौके मिल सकते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है। किसी तरह की जिम्मेदारी या देनदारी आप अच्छी तरह निपटा लेंगे। इस सप्ताह खास काम निपटाने में किसी खास व्यक्ति की मदद भी मिल सकती है। आप अपने कुछ दोस्तों से अपनी बात मनवाने में और उनको समझाने में सफल रहेंगे। नई योजनाओं में निवेश के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। जोखिम से बचना होगा। संतान की तरफ से थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। मुख के रोग भी परेशान कर सकते हैं। इन दिनों में अचानक धन लाभ भी हो सकता है। बिजनेस में फायदे की स्थितियां बनेंगी, लेकिन फैसले लेने में थोड़ी परेशानी जरूर रहेगी। जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए भी ये 7 दिन अच्छे रहेंगे। लव पार्टनर से प्रेम संबंध और मजबूत हो सकते हैं। समय अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा अफेयर से बचने की कोशिश करें। लाइफ पार्टनर से झूठ ना बोले। करियर, इन दिनों में आप नई योजनाएं शुरू कर सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में आपको धन लाभ हो सकता है। इन दिनों में कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आसानी से सफलता मिलेगी। आपके लिए समय अच्छा है। हेल्थ, मुंह के छाले और दांतों के रोग हो सकते हैं। संभल कर रहे। कन्या, समय शुभ है, लेकिन मानसिक रूप से परेशान भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति या संबंध के मामले में आपको गलतफहमी हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में किसी से वाद विवाद हो सकता है। यह स्थिति बहुत लंबी नहीं चलेगी। इन दिनों की शुरुआत फालतू खर्चों से हो सकती है। कुछ ऐसे काम भी होंगे जिनमें मेहनत आपकी होगी और फायदा किसी और को मिलेगा। चंद्रमा इन 7 दिनों में आपकी ही राशि से होकर गुजरेगा, यानी सिंह से वृश्चिक राशि तक जाएगा। सप्ताह के बीच में नौकरी और बिजनेस में आपको किस्मत का साथ मिलेगा। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग भी आपकी मदद करेंगे। आखिरी दिनों तक आपको ऐसी खबर मिल सकती है जिसका आपको इंतजार है। इस सप्ताह गोचर कुंडली के 12वें भाव से पराक्रम भाव तक चंद्रमा जाएगा, जिससे आपको फायदा होगा। दोस्तों पर खर्चा होगा तो आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। माता के लिए समय अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं। भूमि, धन और वाहन के कुछ मामलों में आपको फायदा होगा। ठेकेदारी के काम करने वाले लोगों को धन लाभ होगा। लव पार्टनर से चल रहा पुराना विवाद इन दिनों में खत्म हो सकता है। आप कुछ नए फैसले लेंगे जिनसे संबंधों में मधुरता आएगी। करियर, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। दुश्मनों से सावधान रहे। नौकरी पेशा लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है। बिजनेस में रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। हेल्थ, कन्या राशि वालों को कोई मौसमी रोग हो सकता है।
सावधान रहे, पुराना दर्द बढ़ सकता है, एलर्जी हो सकती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, परेशानियां खत्म हो सकती है, आप अपने काम और योजनाओं को किसी की मदद से पूरा कर लेंगे, नए काम की योजनाएं भी बना सकते हैं, कामकाज की परेशानियां कम होंगी, प्रॉपर्टी से जुड़े नए मामले सामने आएंगे। इन 7 दिनों में आप कोई बड़ा निवेश करने का मन भी बना सकते हैं। इस सप्ताह जहां तक हो सके किसी के भरोसे नहीं रहे, इन दिनों में कोई पुरानी ऐसी बात भी सामने आ सकती है जिसे आप अभी तक दबाते छिपाते आ रहे थे। इन दिनों में खुद को धोखे में ना रखें। इस सप्ताह कुछ फालतू खर्चे भी हो सकते हैं, व्हीकल पर भी पैसा खर्चा हो सकता है, आपकी योजनाएं धीमी गति से पूरी होंगी, अचानक यात्राओं का योग भी बन सकता है। बदलावों का विरोध खुलकर ना करें, ऐसी स्थिति को शांति से निपटाएं। इन दिनों में आपको दोस्तों से फायदा होगा, लेखकों, बुद्धिजीवियों, कवि और प्रोफेसरों के लिए समय शुद्ध रहेगा। लव, इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में प्यार और तकरार दोनों होगी, अविवाहित लोगों को शादी के प्रस्ताव मिलेंगे, क्रियर अक्रियर के लिए समय मिला जुला रहेगा। स्टूडेंट्स इंटरव्यू में थोड़ा तनावग्रस्त और परेशान रहेंगे, लेकिन किस्मत का साथ मिलेगा और सफल हो जाएंगे। हेल्थ सुस्ती दूर हो सकती है, ताजगी भी महसूस होगी और काम करने की ऊर्जा भी बढ़ सकती है, पुराने दर्द में कमी आ सकती है। वृश्चिक, बिजनेस में फायदे के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं, अचानक धन लाभ और एक्स्ट्रा इनकम के भी मौके मिलेंगे, वाक चातुर्यता से फायदा उठाएंगे। आपको इस सप्ताह किसी एक खास व्यक्ति के सामने अपनी बात साफ तरीके से रखने के लिए सावधान रहना होगा। इन दिनों में आप संचार के साधनों का बहुत उपयोग कर सकते हैं, संचार साधनों का उपयोग सावधानी से करें तो ही अच्छा है, वरना धन हानि होने के योग बन रहे हैं। इन दिनों में दोस्तों से कुछ ना कुछ गलतफहमी की स्थिति भी बन सकती है, आप समय निकाल कर दोस्तों से मिलें और फेस टू फेस बात करें। पारिवारिक मामलों को आप अपने ही नजरिए से ना देखें, इन दिनों में आपको दोस्तों से सहयोग मिलेगा, निवेश के लिए समय शुद्ध रहेगा। माता की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए समय शुद्ध रहेगा, प्रॉपर्टी में किए गए निवेश से फायदा होगा। लव, इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जो आपके लिए यादगार रहेगा, पार्टनर से प्यार बना रहेगा, लव लाइफ में बड़े फैसले भी इन दिनों में होंगे। करियर, 7 दिन आपके करियर के लिए अच्छे कहे जा सकते हैं, कोई बड़ा फायदा भी आपको हो सकता है, स्टूडेंट्स पढ़ाई में उलझ सकते हैं, इन दिनों में भाग दौड़ भी होगी, हेल्थ दौड़ धूप करने से थकान महसूस होगी, सावधान रहे। धनु, सेहत के लिए अनुकूल समय है, इन 7 दिनों में आपको अचानक फायदा भी हो सकता है, नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है, इन दिनों में किए गए काम आपकी तरक्की में जोड़ेंगे, कोई जोखिम ना ले, आपको आर्थिक फायदा होगा। इस सप्ताह कामकाज समय पर होगा, रुके हुए काम भी पूरे होंगे, कुछ मामलों में आपको किस्मत का साथ भी मिल सकता है, नौकरी या बिजनेस के कुछ काम आप अपने ही अंदाज या नए तरीके से करेंगे, किसी की सलाह से आप अपने कामकाज की योजना में भी बदलाव भी कर सकते हैं। इस सप्ताह धनु राशि के लोग वाणी का उपयोग सावधानी से करें, कोई उसका गलत फायदा भी उठा सकता है, छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, पुरानी योजना और पुराने दोस्त इन दिनों में काम आ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में बारीक बदलाव भी सामने आएंगे, तकनीकी और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। लव, आपकी लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा, पार्टनर की भावनाओं को समझेंगे, पार्टनर से सुख मिलेगा, पुराने मामले सुलझ जाएंगे, करियर अचानक धन लाभ होगा, इन दिनों में आपको थोड़ा संभल कर भी रहना होगा। धनु राशि के कुछ लोग करियर में बदलाव का प्लान भी बना सकते हैं,
गिल्ट, मानसिक परेशानियां, तनाव और चिंताओं से नींद की कमी हो सकती है। मकर सप्ताह की शुरुआत में ही समय कुछ ठीक नहीं रहेगा। अचानक हानि और यात्राओं का योग बन सकता है। जोखिम लेने से बचे, आर्थिक हानि के भी योग बन रहे हैं। धीरे धीरे भूमिध्वन और वाहन के कुछ मामलों में आपको किस्मत का साथ मिलेगा। बड़े फैसले किसी अनुभवी की मदद से लेंगे तो फायदा होगा। इन दिनों में वाणी पर संयम जरूरी है। जैसे जैसे सप्ताह बढ़ता जाएगा आपके लिए समय अच्छा होता जाएगा। आप जिस बात को लेकर परेशान हैं या दबाव में हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी बात को ज्यादा ही गंभीरता से मन में बैठा सकते हैं। इन दिनों में आप खुश रहे, किसी भी तरह के दबाव में आने से बचे। जो लोग आपसे उलझ रहे हैं, वे अब धीरे धीरे शांत होते जाएंगे और प्रेम वापस बढ़ने लगेगा। किसी अटके हुए मामले को सुलझाना जरूरी हो जाएगा। लव, इन दिनों में आपका पार्टनर किसी पुरानी बात को लेकर आपसे रूठ सकता है। रूठ नाम नाना चलता रहेगा। करियर, इस सप्ताह धन हानि के योग बन रहे हैं, थोड़े संभल कर रहे। बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले इन दिनों संभल कर ले। स्टूडेंट्स को सीनियर्स की मदद मिलेगी। करियर के लिए ये सप्ताह ठीक ठाक ही रहेगा। हेल्थ, इस सप्ताह सेहत के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव भरा भी हो सकता है। पुराना रोग खत्म होगा तो कोई नई तकलीफ शुरू हो सकती है। कुंभ गोचर कुंडली का चंद्रमा इन दिनों में सातवें भाव से कर्म भाव तक जाएगा। आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। पैसा आने लगेगा। अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे। इन सात दिनों में आसपास के लोग आपकी मदद कर सकते हैं। अचानक यात्राओं का योग भी बन सकता है। नए लोगों से मुलाकात होने के योग है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सप्ताह के बीच में संभल कर रहना होगा। किसी पर भी ज्यादा भरोसा ना करें। पैसों के मामले में भी रिस्क ना लें। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ हो सकता है। किसी एक खास व्यक्ति से आपके संबंध मजबूत होंगे। पुराना तनाव या गलतफहमी दूर हो जाएगी। तनावपूर्ण स्थिति सहज होने लगेगी। लव, इन दिनों में पार्टनर के लिए समय निकाले। लव लाइफ के उलझे हुए मामले सुलझाने की कोशिश सफल हो जाएगी। आप पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे और प्यार बढ़ेगा। करियर, इन दिनों में आपके कांटेक्ट और मजबूत हो सकते हैं। धन लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स और भाव से परेशान हो सकते हैं। इन दिनों में आपके दिमाग में एक से ज्यादा मामले एक साथ चलते रहेंगे। संभल कर रहे, आप किसी बात में उलझ भी सकते हैं। हेल्थ, मुंह और दांतों के पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं। पेट के पुराने रोग भी परेशान कर सकते हैं। मीन, इस सप्ताह आपकी रचनात्मकता और सक्रियता में वृद्धि हो सकती है। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम और तरक्की के मौके मिलेंगे। पैतृक व्यवसाय में फायदा होने की संभावना है। कुछ अनचाहे फैसले भी आपको लेने पड़ सकते हैं। चंद्रमा इन दिनों में गोचर कुंडली के त्रिक भाव से भाग्य भाव तक जाएगा। इन दिनों में महत्वपूर्ण वस्तु या दस्तावेज गुम हो सकते हैं। इन सात दिनों में बनने वाली स्थितियों को आपको सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। सप्ताह के आखिरी दिनों में आपको सावधान रहना चाहिए। आपकी कोई राज की बात सार्वजनिक हो सकती है। आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं। लव, अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिलेंगे। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में और प्यार बढ़ेगा। करियर, प्रोफेशनल लाइफ और अच्छी रहेगी। लेखन संबंधित मामलों में सावधान रहे। दस्तावेजों संबंधित कोई नुकसान हो सकता है। इस राशि के सभी क्षेत्रों के स्टूडेंट्स इन सात दिनों में सावधान रहे। महत्वपूर्ण दस्तावेज या कागज गुम होने के योग बन रहे हैं। हेल्थ, पेट की प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इस राशि के कुछ लोग पथरी के दर्द से भी परेशान हो सकते हैं।